सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है। याचिका में एपी सिंह ने कहा कि सीमा तलाकशुदा थी, 4 साल पहले उनका तलाक हुआ था और नेपाल में आकर उन्होंने सचिन से शादी की। शादी से पहले उन्होंने हिंदू धर्म भी अपनाया था। हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने शादी की है और भारत अपने 4 बच्चों के साथ आई है। अब सीमा की सुरक्षा की जाए। क्रांतक के संवाददाता अरविंद ओझा से उन्होंने एक्सक्लूसिव बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। डॉक्टर एपी सिंह, आप सीमा के वकील हैं, अब क्या एक्शन लिया है, क्या आगे की कानूनी कार्रवाई है? हमने सीमा की तरफ से देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटीशन के आधार पर, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके आधार पर याचिका लगाई है। इसमें हमने मांग की है, क्योंकि सीमा तलाकशुदा थी और 4 साल पहले तलाक हो चुका था और उसने नेपाल में आकर सचिन के साथ विवाह किया। विवाह से पहले हिंदू धर्म में आई, मुस्लिम धर्म को त्याग किया और उसके बाद हिंदू धर्म ग्रहण किया, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज पद्धति से विवाह किया है और उसके बाद अब वो भारत आई है अपने 4 बच्चों के साथ। 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और उनकी सुरक्षा भी की जाए। और जैसे देश में अन्य लोगों को, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे अफगानिस्तानी हो, उनको समय समय पर नागरिकता मिलती रही है तो उनको भी नागरिकता दी जाए। तो आपने भी नागरिकता दी जाए। तो आपने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगा दी है? जी हाँ, राष्ट्रपति महोदय के सामने याचिका लगा दी है और हमारी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। अच्छा, तो मैं राष्ट्रपति भवन में ही हूँ। अच्छा, सारी कार्रवाई। तो राष्ट्रपति से आपने गुजारिश की है कि सीमा को इस मामले में, हमने ये भी एप्लीकेशन की है कि हमें ओरल हियरिंग का भी मौका दिया जाए और सुना जाए। ये दो देशों का मामला हो गया है, सीमा की जान को बहुत खतरा है, पाकिस्तान में भी धमकियां आ रही हैं। आपने महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है, याचिका लगाकर, कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए। जी, भारत की नागरिकता दी जाए, जिस तरह से समय समय पर अन्य विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिलती रहे। यह क्योंकि अब वो भारत की बहू, हिंदू धर्म सनातन धर्म के आधार पर वो यहाँ सचिन की पत्नी है और सचिन यहाँ का मूल निवासी है, इस आधार पर उसको नागरिकता दी जाए और उसकी इसमें सद्भावना पूर्वक विचार की जाए। और अगर पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोई शक है तो रा से जांच कराएं, NIA से जांच कराएं, CBI से जांच कराएं, इंटरपोल से जांच कराएं, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, जो भी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।